प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 17 सितंबर 70वें जन्मदिन को मनाने के भागरूप पानी के एकमात्र स्रोत गुजरात के लिए जीवन डोर समान वैसे नर्मदा बांध नर्मदा डैम को उसकी सर्वोत्तम ऊंचाई सपाटी वैसी 138.68 मीटर पर भरते हुए आज राज्य के मंत्री योगेश पटेल के हाथों पूजन कर बधाइयां दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज 17 सितंबर 70वें जन्मदिन को मनाने के भागरूप आज राज्यभर में कई विविध विकास सामाजिक और सेवाकीय कार्य किए गए। गुजरात के मुख्यमंत्री के उनके ड्रीम प्रोजेक्ट नर्मदा डैम को 138.68 मीटर की सर्वोत्तम ऊंचाई पर भरकर आज प्रधानमंत्री को भेंट दी गई। गुजरात के जीवन डोर समान नर्मदा बांध की सर्वोत्तम महत्तम सपाटी 138.68 मीटर को भरकर आज 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भेंट स्वरूप अर्पित किया गया। राज्य कक्षा के नर्मदा मंत्री योगेश पटेल और नर्मदा निगम के MD राजीव गुप्ता ने आरती और पूजन कर नर्मदा मैया के जल नीर की बधाइयां दी थी। तो वहीं गांधीनगर से मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपनी ऑफिस से ही नर्मदा नीर का ई पूजन किया था। उपरवास में फिलहाल प्रति सेकंड 23.11 लाख लीटर पानी आ रहा है और नर्मदा डैम के 3 गेट खोलकर 40,000 क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है। रिवर बेड पावर हाउस में भी 6 टर्बाइन चालू कर नर्मदा नदी में प्रति सेकंड 9.77 लाख लीटर पानी छोड़ा जा रहा है। नर्मदा बांध को मां रेवा के नीर से 100% पूरा भरकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट सौगात स्वरूप अर्पित किया गया। आज के इस अवसर पर राज्य के मंत्री योगेश पटेल, नर्मदा निगम के MD राजीव गुप्ता सहित नर्मदा निगम के कई अधिकारी हाजिर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने आज 70वां जन्मदिवस है। आज आ नर्मदा सरदार सरोवर डैम 138.68 पूरेपूरो भराई गयो छे। एना 5 दरवाजा जे खोली नाखवामां आया छे। राज्यना मुख्यमंत्री વિજયભાઈ રૂપાણીજી અને ડેપ્યુટી મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલ પણ ગયે વર્ષે 17 તારીખે અહીંયા ગાડી 17 સપ્ટેમ્બરે એમને નર્મદા મૈયાની પૂજા કરેલી, એમના નીરના ઈ વધામણા બી એમને કરેલા। આજે બીજે વર્ષે પણ આ ડેમ ફૂલ ભરાઈ ગયો છે। હું નર્મદા મંત્રી ગયે વર્ષે બન્યો, 2 વર્ષ સતત વરસાદ પડવાથી આ 2 વર્ષ આ ડેમ ભરાયો છે એટલે મને બી ખુશી છે। ગુજરાતના ખેડૂતો છેક કચ્છ સુધીને, સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ બનાસકાંઠા આ બધા જ એરિયામાં આ નર્મદાના નીરનું પાણી ઉનાળામાં જ્યારે જોઈશે ત્યારે મળી રહેશે, તળાવો પણ ભરવામાં આવશે, એટલે આનાથી ખેડૂતોને પાક પણ વધારે મળવાનો છે અને એમને રૂપિયા પણ વધારે મળશે। આજે 17 સપ્ટેમ્બર નરેન્દ્ર મોદીજીએ જ્યારે આ દેશના વડાપ્રધાન બન્યા ત્યારે એમને જે આ 30 ગેટ મૂકવાની પરવાનગી આપી અને એ પરવાનગીથી આજે આપણે આટલું બધું પાણી ભરી શક્યા છે, એટલે નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનો હું આભાર માનું છું।